आज का लेक्चर किसके ऊपर है आपका? टुडेज लेक्चर ऑन फंक्शंस ऑफ थ्रोम्बोसाइट एंड ब्लड क्लोटिंग, यानी प्लेटलेट के फंक्शन क्या है वो सारे पढ़ेंगे, और क्या है ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड की क्लोटिंग, यानी अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर जब कोई एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होती है, इंजरी या फिर अगर कोई प्रॉब्लम एक्सीडेंटल केस में, वो ब्लीडिंग स्टॉप कैसे होती है, उसको क्या बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग, उसकी मैकेनिज्म और इंट्रोडक्शन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार क्या है, पीछे का लेक्चर रिवाइज कर देते हैं जिसके अंदर क्या था, थ्रोम्बोसाइट इंट्रोडक्शन, यानी प्लेटलेट का जनरल इंट्रोडक्शन था कि उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसके अंदर कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पीछे का लेक्चर आपका किसके ऊपर था, एक लिम्फोसाइट, क्या है लिम्फोसाइट की मॉर्फोलॉजी, एक सेल बच गई थी व्हाइट ब्लड सेल उसके ऊपर था, तो लिम्फोसाइट टोटल कितने परसेंट होती है व्हाइट ब्लड सेल की, कि 25 से 35% होती है टोटल ल्यूकोसाइट, किसके, कंप्लीट व्हाइट ब्लड सेल के परसेंट की। देर आर टू टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी ल्यूकोसाइट कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है, लार्ज लिम्फोसाइट और क्या है स्मॉल लिम्फोसाइट। लार्ज लिम्फोसाइट में क्या है डायमीटर कितना है 10 to 12 माइक्रोमीटर, और साइटोप्लाज्म कैसा है इसका, क्वालिटी ऑफ साइटोप्लाज्म इज मोर देन कंपेयर टू स्मॉल लिम्फोसाइट, यानी क्या है कि लार्ज लिम्फोसाइट का जो साइटोप्लाज्म है उसकी क्वांटिटी जो है, यानी मात्रा जो है वो क्या है ज्यादा है, यानी इज मोर, यानी क्या है ज्यादा है देन कंपेयर टू, किसके कंपेरिजन में, स्मॉल लिम्फोसाइट के, यानी छोटी सेल्स के कंपेरिजन में, बड़ी सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी क्या है, मात्रा क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट स्मॉल लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट का डायमीटर कितना है 7 माइक्रोमीटर, न्यूक्लियस कैसा है लार्ज, मेजर ऑफ मेजर पार्ट ऑफ सेल, लार्ज यानी क्या है साइटोप्लाज्म तो कम होता है स्मॉल लिम्फोसाइट में, ठीक है, तो न्यूक्लियस का साइज क्या होगा बड़ा होगा, और क्या है सेल का जो मेजर पार्ट है यानी मेन जो पार्ट है वो किसके द्वारा ही बड़ा होता है, न्यूक्लियस के द्वारा। साइटोप्लाज्म कैसा है फिर, प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी क्या है छोटी मात्रा में या थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, बेल बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म, और कैसा होता है बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म, बेल यानी हल्का। फंक्शन इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, स्मॉल लिम्फोसाइट क्या इम्यूनिटी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इम्यूनिटी कैसे, जैसे क्या एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में, क्योंकि स्मॉल लिम्फोसाइट में दो प्रकार की सेल होती है, एक तो टी लिम्फोसाइट एक बी लिम्फोसाइट, टी थाइमस लिम्फोसाइट बी बोन मैरो से रिलेटेड, टी क्या है एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए बी सेल्स को स्टिमुलेट करती है, उत्प्रेरित करती है, उनको निर्देश देती है कि अब एंटीबॉडी फॉर्मेशन शुरू कर दो, अब बंद कर दो, और बी सेल्स क्या करती है ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडीज को फॉर्म करने का काम करती है। एंटीबॉडीज कौन सी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एम डी ई ए, ये क्या है एंटीबॉडीज है। नेक्स्ट क्या है थ्रोम्बोसाइट, यानी क्या है प्लेटलेट, तो है कैसी शेप एंड स्ट्रक्चर कैसी है, स्मॉल यानी सबसे छोटी सेल है, कलरलेस यानी कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता, राउंड यानी गोल आकार की होती है, एंड ओवल डिस्क शेप, और ओवल यानी अंडाकार या फिर राउंड गोलाकार डिस्क शेप होती है। साइज कैसा है इसका 2 to 4 माइक्रोमीटर, यानी क्या है 2 से 4 माइक्रोमीटर, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड, और ब्लड की क्या है सबसे छोटी कोशिका है, कौन थ्रोम्बोसाइट। न्यूक्लियस कैसा है इसका एब्सेंट होता है यानी अनुपस्थित होता है थ्रोम्बोसाइट के अंदर, तो ब्लड के अंदर दो प्रकार की सेल ऐसी जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एक तो रेड ब्लड सेल एक थ्रोम्बोसाइट, और व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर क्या है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नॉर्मल काउंट क्या है थ्रोम्बोसाइट के, तो 1.5 to 3.5 लाख सेल पर एमएम, यानी 1,50,000 से 3,50,000 लाख सेल पर एमएम क्यूब है। लाइफ स्पान कितनी है व्हाइट ब्लड सेल थ्रोम्बोसाइट की, तो लाइफ स्पान क्या है इसकी 9 से 12 दिन, यानी 9 to 12 डेज। शुरू से देखिए थ्रोम्बोसाइट क्या है, स्मॉल कलरलेस राउंड एंड ओवल डिस्क सेल, यानी छोटी है विदाउट किसी कलर के है, राउंड या गोलाकार या अंडाकार डिस्क शेप जैसी होती है, साइज 2 to 4 माइक्रोमीटर, और स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड, ब्लड की क्या है छोटी सबसे छोटी कोशिका है, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है थ्रोम्बोसाइट में। नॉर्मल काउंट कितने 1.5 to 3.5 लाख सेल पर एमएम,
और लाइफ स्पान कितना है इसका? 9 से 12 दिन। ब्लेस्टर फॉर्मेशन यानी बनती कहाँ है, कैसे बनती है? इट इज फॉर्म इन बोन मैरो फ्रॉम मेगाकेरियोसाइट। इट इज फॉर्म इन बोन मैरो यानी थ्रोम्बोसाइट किसमें बनती है, कौन से ऑर्गन में बनती है? बोन मैरो के अंदर। और फ्रॉम मेगाकेरियोसाइट, और बनती किससे? मेगाकेरियोसाइट सेल से। विच इज लार्ज, और मेगाकेरियोसाइट क्या है? बड़ी सेल होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, और बहुकेंद्रकीय सेल होती है, यानी न्यूक्लियस काफी प्रेजेंट रहते हैं उसमें। नेक्स्ट लाइन में क्या है? 1 मेगाकैरियोसाइट फॉर्म अराउंड 2000 to 4000 प्लेटलेट, यानी 1 मेगाकैरियोसाइट जो सेल है वो क्या है, 2000 से 4000 प्लेटलेट सेल को फॉर्म करती है यानी बनाती है। मेगाकैरियोसाइट एंड प्लेटलेट प्रोडक्शन इज रेगुलेट बाय थ्रोम्बोपोइटिन, यानी मेगाकैरियोसाइट साइट जो है उनका बनना और प्लेटलेट सेल का बनना। तो आपको पता है अगर मेगा कैरियोसाइट सेल ही नहीं बनेगी तो प्लेटलेट कहां से बनेगी? तो दोनों क्या है, दूसरे पे डिपेंड है। प्रोडक्शन यानी उनका बनना इज रेगुलेट बाय, यानी किसके द्वारा रेगुलेट होता है, किसके द्वारा नियमित होता है? थ्रोम्बोपोइटिन के द्वारा। थ्रोम्बोपोइटिन क्या है? ये हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन किडनी एंड लीवर, यानी एक हार्मोन होता है जो क्या है ह्यूमन बॉडी में किसमें सिक्रेट होता है, किडनी और लीवर के अंदर, थ्रोम्बोपोइटिन नाम का, जो क्या है मेगा कैरियोसाइट के प्रोडक्शन को मेंटेन करता है। नेक्स्ट, ओल्ड प्लेटलेट आर डिस्ट्रॉयड बाय फैगोसाइटोसिस इन द स्प्लीन एंड लीवर, और पुरानी जो प्लेटलेट है वो किसके द्वारा डिस्ट्रॉय की जाती है, बर्बाद की जाती है? फैगोसाइटोसिस प्रोसीजर के द्वारा, यानी सेल को एनगल्फ करके उसको तोड़ दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। और किसके अंदर की जाती है ये प्रोसीजर? लीवर और स्प्लीन के अंदर। तो शुरू से देखिए, फॉर्मेशन में इट इज फॉर्म इन बोन मैरो एंड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट, यानी क्या है कि एक थ्रोम्बोसाइट का फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर चलता है और मेगाकैरियोसाइट सेल के द्वारा होता है, विच इज ए लार्ज मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल, जो क्या है एक बड़ी बहुकेंद्रकीय सेल है। एक मेगाकैरियोसाइट कितने प्लेटलेट फॉर्म करती है? 2000 से 4000 सेल। और प्लेटलेट यानी मेगाकैरियोसाइट का प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन के द्वारा। और पुरानी प्लेटलेट को किसमें डिस्ट्रॉय किया जाता है? लीवर और स्प्लीन के अंदर, इसके द्वारा फैगोसाइटोसिस के द्वारा। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ थ्रोम्बोसाइट यानी इसकी संरचना कैसी है? द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लेटलेट हैज ए कोटिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है प्लेटलेट की वो किससे बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन यानी बाहरी आवरण वो किसका बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन का। दैट प्रिवेंट एडिशन टू द नॉर्मल एंडोथेलियम, जो किससे बचाता है प्लेटलेट को, यानी नॉर्मल ब्लड सेल की जो इनसाइड है एंडोथीलियम उससे चिपकने से बचाता है। नेक्स्ट, इट आल्सो कंटेन फॉस्फोलिपिड प्लेटलेट मेम्ब्रेन कंटेंट रिसेप्टर विच अटैच देम टू द वन विल ग्रैंड फैक्टर कोलेजन एंड फाइब्रिनोजन। इट आल्सो कंटेन यानी यह रखती है थ्रोम्बोसाइट फॉस्फोलिपिड प्लेटलेट, यानी उसके अंदर क्या है फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहती है। कंटेंट रिसेप्टर और क्या है उन मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड की रिसेप्टर पाए जाते हैं। विच अटैच देम, तो किससे अटैच होते हैं? वन विल ब्रांड फैक्टर से और कोलिजन और फाइब्रिनोजन फैक्टर से। प्लेटलेट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया एंड वेरियस एंजाइम दैट फॉर्म एटीपी एंड एटीपी, यानी प्लेटलेट के अंदर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाता है और क्या है कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या है एटीपी और एडीपी को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, प्लेटलेट कंटेन ऑफ 3 टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स, यानी प्लेटलेट के अंदर कितने प्रकार के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं? कणिकाएं 3 प्रकार की, एक तो अल्फा ग्रेन्यूल, एक डेंस ग्रेन्यूल और लाइसोसोमल ग्रेन्यूल। द अल्फा ग्रेन्यूल्स हैव प्लेटलेट डिराइव्ड फ्रॉम ग्रोथ फैक्टर वन विल ब्रांड फैक्टर एंड थ्रोम्बोस बॉन्डिंग। द अल्फा ग्रेन्यूल हैव प्लेटलेट, यानी अल्फा ग्रेन्यूल्स है हैव यानी प्लेटलेट के अंदर प्लेटलेट डिराइव्ड, प्लेटलेट क्या फॉर्म करती है, क्या प्राप्त करती है उनसे? ग्रोथ फैक्टर और वन विल ब्रांड फैक्टर और थ्रोम्बोस बॉन्डिंग। यानी अल्फा ग्रेन्यूल्स किस किस से बने होते हैं? वन विल ब्रांड फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर और थ्रोम्बोस बॉन्डिंग से। नेक्स्ट, डेंस ग्रेन्यूल कंटेन नॉन प्रोटीन सब्सटेंस सच एज सीरोटोनिन एटीपी एडीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और डेंस ग्रेन्यूल क्या रखता है कि नॉन प्रोटीन सब्सटेंस ऐसे पदार्थ जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं हो,
उनका नाम क्या है सत्य, यानी किसके जैसे, सीरोटोनिन हो गया, एटीपी हो गया, एडीपी हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्लेटलेट की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर क्या गया है, एक तो अल्फा ग्रेन्यूल प्रेजेंट रहते हैं, ग्लाइकोजन किस लिए प्रेजेंट रहता है, स्टोरेज एनर्जी के रूप में, जब आवश्यकता हो प्लेटलेट को तब एनर्जी को काम में ले ले। और क्या है, डेंस ग्रेन्यूल है, डेंस ट्यूबुलर सिस्टम है, ठीक है। और क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारे ऑर्गन क्या है, प्लेटलेट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है, प्लेटलेट की स्ट्रक्चर किसमें, पीबीएफ के अंदर, यानी पेरिफेरल ब्लड के अंदर। अगर एग्जामिनेशन में देखें प्लेटलेट कैसी दिखेगी आपको, बिल्कुल एक ब्लू डॉट के जैसी दिखेगी, सबसे छोटी सेल है। नेक्स्ट क्या है, आज के लेक्चर में क्या है, पिछले लेक्चर में आपने थ्रोम्बोसाइट का इंट्रोडक्शन देखा था, आज के लेक्चर में क्या है, फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट, यानी थ्रोम्बोसाइट के फंक्शन क्या है, काम क्या करती है वो अपनी बॉडी में। तो सबसे पहला फंक्शन देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेल्प इन द ब्लड क्लोट बाय फॉर्मिंग ए प्लेटलेट प्लग, यानी क्या है, हेल्प इन द, यानी मदद करती है किसमें, ब्लड क्लोटिंग के अंदर, यानी ब्लड का थक्का जमाने के अंदर, बाय फॉर्मिंग ए प्लेटलेट प्लग, और क्या है, प्लेटलेट का जाल बना के क्या है, ब्लड क्लोटिंग करती है वो। नेक्स्ट, कॉज वैसो कॉन्ट्रेक्शन, यानी ब्लड वेसल्स शेप चेंज बाय रिलीजिंग सीरोटोनिन थ्रोम्बोसिन A2, और क्या है, ब्लड वेसल्स की जो शेप होती है, यानी क्या है कि उनको लार्ज करती है या फिर स्मॉल करती है, वो भी मेंटेन करती है कौन, प्लेटलेट, और किसके द्वारा, बाय रिलीजिंग सीरोटोनिन और थ्रोम्बोसिन A2, यानी कौन से दो सब्सटेंस रिलीज करके, सीरोटोनिन और थ्रोम्बोसिन A2 रिलीज करके वो क्या है, वैसो कॉन्ट्रेक्शन भी करती है, यानी ब्लड वेसल्स की शेप को भी मेंटेन करती है। नेक्स्ट, एक्सीलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग, और क्लोटिंग की जो प्रोसीजर है ब्लड के अंदर उसकी स्पीड को भी एक्सीलरेट करती है, यानी बढ़ा देती है। नेक्स्ट, इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड वायरस, यानी क्या है कि फेगोसाइटोसिस जो प्रोसीजर चलता है ह्यूमन बॉडी में, यानी जब कोई बाहरी पार्टिकल आता है, फॉरेन पार्टिकल जो डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसको किल करने के लिए जो ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, उन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स है, उनमें जो फेगोसाइटोसिस प्रोसीजर चलता है उस फॉरेन पार्टिकल को या एंटीजन को किल करने के लिए, उसमें भी क्या है, प्लेटलेट हेल्प करती है। तो शुरू से देखिए कि हेल्प इन द ब्लड क्लोट बाय फॉर्मिंग ए प्लेटलेट प्लग, यानी क्या है कि प्लेटलेट प्लग बना के ये ब्लड क्लोट के अंदर भी हेल्प करती है। दूसरा है, कॉज वैसो कॉन्ट्रेक्शन, यानी ब्लड वेसल्स की शेप चेंज करती है किसके द्वारा, बाय रिलीजिंग सीरोटोनिन थ्रोम्बोसिन A2, यानी क्या रिलीज करती है ह्यूमन बॉडी में, सीरोटोनिन और थ्रोम्बोसिन A2, जो क्या मेंटेन करते हैं, ब्लड वेसल्स की शेप को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट, एक्सीलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग, और क्लोटिंग है, ब्लड क्लोटिंग है, उसकी स्पीड को क्या है, बढ़ा देती है। नेक्स्ट, इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड वायरस, यानी क्या, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, यानी इम्यून सिस्टम के अंदर, प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर भी फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या है, हेल्प करती है प्लेटलेट, यानी एंटीजन को अरेस्ट करके उसको किल करवाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है, हेल्प इन द रिपेयर द डैमेज ऑफ एंडोथेलियम, और क्या है, ब्लड वेसल्स की जो अंदर की सरफेस होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनसाइड में एंडोथेलियम, यानी ब्लड वेसल्स की शेप के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है एंडोथेलियम में, उसको रिपेयर करती है, यानी उसको हील करती है, उसको सही करती है, उसमें भी मदद करती है कौन, प्लेटलेट। नेक्स्ट, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोन, और क्या है कि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोन को स्टोर करती है और उसको ट्रांसपोर्ट भी करती है। नेक्स्ट, प्ले ए रोल इन इन्फ्लामेशन, और क्या है, इन्फ्लामेशन के अंदर यानी सूजन के अंदर भी रोल प्ले करती है। आपको पता है कि जब कोई इनसाइड इंजरी हो ह्यूमन बॉडी में या फिर अदर कोई प्रॉब्लम हो तो क्या है, उस जगह क्या है, सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, उस जगह क्या इकट्ठी हो जाती है, प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल या फिर मैक्रोफेज, और क्या है, किल्ड बैक्टीरिया या वायरस, वो सारे इकट्ठे होकर क्या है, इन्फ्लामेशन करते हैं। तो शुरू से देखिए कि हेल्प इन द रिपेयर डैमेज ऑफ एंडोथेलियम, यानी
ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम को रिपेयर करती है, उसको सही करती है। और क्या है, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोन और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोन को स्टोर करती है, ट्रिप्टोफैन को स्टोर करती है और उसको ट्रांसपोर्ट करती है दूसरी जगह। प्ले ए रोल इन इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्या है, ब्लड क्लोटिंग यानी रुधिर का थक्का बनना या हीमोस्टेसिस। ठीक है, तो आपने देखा कि ब्लड क्लोटिंग किसका फंक्शन है, प्लेटलेट का, तो प्लेटलेट से जुड़ा हुआ है एक तरीके से, तो इसको यहीं पढ़ लेते हैं। तो ब्लड क्लोटिंग है क्या, कोएगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्लड क्लोट, यानी कोएगुलेशन यानी क्या है, किसी चीज का थक्का बनना या कोएगुलेट करके उसमें पार्टिकल्स बना के क्या है, प्रोसीजर है एक किसका, ब्लड क्लोटिंग का, यानी क्या है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने का प्रोसीजर है। ह्यूमन बॉडी से आउटसाइड में जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने का प्रोसीजर है। नेक्स्ट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इनेबल द ब्लीडिंग टू प्लग एंड हील लीजन। दिस इज एन इम्पोर्टेंट यानी ये क्या है, एक महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स यानी जटिल यानी थोड़ी क्या है, एक तरीके से हार्ड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है दैट इनेबल यानी जो क्या है, इनेबल कर देती है, बंद कर देती है किसको, द ब्लीडिंग को, यानी ह्यूमन बॉडी से आउटसाइड में होने वाली ब्लीडिंग को बंद कर देती है। किस चीज से, टू प्लग यानी जाल बना के, एंड हील लीजन, और लीजन जो होते हैं, घाव जो होते हैं, उनको भरने का काम करती है। नेक्स्ट, दिस इज हाउ टू स्टॉप अनवांटेड ब्लीडिंग। तो ब्लड क्लोटिंग क्या है कि कैसे अनवांटेड यानी अनैच्छिक ब्लीडिंग हो रही है उसको रोका जाए, उसी को क्या बोलते हैं अपन, ब्लड क्लोटिंग। शुरू से देखिए, कोएगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्लड क्लोट, यानी कोएगुलेशन क्या है, ब्लड क्लोटिंग क्या है कि ब्लड को स्टॉप करने का प्रोसीजर है, ब्लड क्लोट बनाने का प्रोसीजर है, यानी थक्का बनाने का प्रोसीजर है। नेक्स्ट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स यानी जटिल प्रोसीजर है, क्योंकि आपको पता है 13 क्लोटिंग फैक्टर मिलके क्या है, ब्लड क्लोट बनाते हैं, तो क्या है, ये थोड़ी हार्ड प्रोसीजर है। दैट इनेबल द ब्लीडिंग, जो क्या है, एक्स्ट्रा होने वाली ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती है, किस चीज से, प्लग बना के यानी जाल बना के, एंड हील लीजन्स, और घाव को भरने का काम करती है। नेक्स्ट, दिस इज हाउ टू स्टॉप अनवांटेड ब्लीडिंग। ब्लड क्लोटिंग क्या है कि कैसे अनवांटेड यानी अनैच्छिक होने वाली ब्लीडिंग को रोका जाए। नेक्स्ट क्या है, हीमोस्टेसिस। तो हीमोस्टेसिस क्या है, एक तरीके से ब्लड क्लोटिंग का दूसरा नाम है। अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग बाय ए फिजियोलॉजी प्रोसेस फॉर्मिंग ए हीमोस्टेटिक प्लग इज नोन एज हीमोस्टेसिस, यानी क्या है, एक्स्ट्रा होने वाली ब्लीडिंग को अरेस्ट करना या रोकना, उसको बांधना, बाय ए फिजियोलॉजी प्रोसेस यानी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फॉर्मिंग ए हीमोस्टेटिक प्लग, और किस तरीके से, कि हीमोस्टेटिक प्लग बना के, इज नोन एज, और इसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस बोलते हैं, यानी ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं, रुधिर का थक्का बोलते हैं। नेक्स्ट, इट इज ए सीरीज ऑफ इवेंट, देयर फॉर इट्स ऑल्सो कॉज एन एज कोएगुलेशन और कैस्केड। और ये क्या है कि इवेंट्स की सीरीज है, यानी स्टेप बाय स्टेप क्या है, ब्लड क्लोटिंग में काम होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन और कैस्केड रिएक्शन बोलते हैं। यानी कैस्केड का मतलब होता है पहले फर्स्ट स्टेप आया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो हीमोस्टेसिस क्या है, कि अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग या एक्स्ट्रा ब्लीडिंग बाय ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा ह्यूमन बॉडी से बाहर की तरफ होने वाली ब्लड क्लोटिंग को रोकना या ब्लीडिंग को रोकना, क्या है, किसके द्वारा, हीमोस्टेटिक प्लग बना के उसको रोकना, क्या कहलाता है, हीमोस्टेसिस। नेक्स्ट, इट इज ए सीरीज ऑफ इवेंट, ये क्या है, इवेंट्स की सीरीज है, देयरफॉर इट्स आल्सो कॉज कोएगुलेशन और कैस्केड। ये क्या है कि इवेंट्स की सीरीज है, यानी इसमें स्टेप बाय स्टेप काम चलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन और कैस्केड रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स ऑफ हीमोस्टेसिस, यानी कौन से स्टेप इन्वॉल्व है, किस तरीके से उसमें प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट काम क्या है, इंजरी इन ब्लड वेसल, यानी ब्लड बाहर आएगा, तो ब्लड बाहर आने के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, इंजरी इन ब्लड वेसल, यानी ह्यूमन बॉडी की जो ब्लड वेसल्स है उनमें इंजरी होनी चाहिए, चोट लगनी चाहिए, उनकी स्ट्रक्चर डैमेज होनी चाहिए। जब उनकी स्ट्रक्चर डैमेज होगी तो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, यानी उनकी जो ब्लड वेसल्स की शेप है वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी संकुचित हो जाएगी, उसकी शेप क्या है, छोटी हो जाएगी। फिर क्या होगा, शेप छोटी होगी तो उसका रीजन क्या है,
कि ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, जहां पे इंजरी हुई है वहां पे कम हो जाएगा, इसीलिए क्या है उसकी सेहत कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। नेक्स्ट एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट, जिस जगह इंजरी हुई है वहां पे प्लेटलेट इकट्ठी होगी। फिर क्या होगा, टेम्परेरी हिमोस्टेसिस प्लग, और वहां पे क्या बन जाएगा कि टेम्परेरी हिमोस्टेसिस प्लग बन जाएगा, यानी जाल बन जाएगा प्लेटलेट से। फिर क्या बनेगा, वो टेम्परेरी जो प्लग बना था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परमानेंट ब्लड क्लॉट के अंदर, और ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, यानी रुक जाएगी। ह्यूमन बॉडी से बाहर की तरफ जो ब्लीडिंग हो रही है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। स्टेप ऑफ हिमोस्टेसिस में देखिए कि सबसे पहले क्या है, इंजरी इन ब्लड वेसल्स, यानी किसी ब्लड वेसल्स के अंदर चोट लगनी चाहिए। चोट लगने के बाद क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, यानी ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी, यानी उसकी शेप क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और उसकी शेप छोटी क्यों होती है, क्योंकि जिस जगह इंजरी हुई है वहां पे ब्लड फ्लो क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी ब्लड का बहाव कम हो जाए। ब्लड का बहाव कम होगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट, यानी वहां पे आगे प्लेटलेट सेल्स क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। इकट्ठी होने के बाद वो क्या करेगी, टेम्परेरी हिमोस्टेसिस प्लग, यानी क्या एक तरीके से टेम्परेरी, यानी क्या परमानेंट नहीं बनाया है, ठीक है, तो टेम्परेरी हिमोस्टेसिस प्लग, यानी क्या है, टेम्परेरी हिमोस्टेसिस प्लग बना लेगी, जाल बना लेगी एक तरीके से वहां पे। जिसमें क्या है, जाल बनेगा तो उसमें क्या है, अदर ब्लीडिंग सेल, ठीक है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल होगी, आरबीसी होगी, वो क्या है, अरेस्ट हो जाएंगी। अरेस्ट होके क्या है, वो जाल पूरे तरीके से रुक जाएगा। रुक जाएगा तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, परमानेंट ब्लड क्लॉट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, अगर परमानेंट ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, यानी रुक जाएगी। ह्यूमन बॉडी से बाहर की तरफ जो होने वाली ब्लीडिंग है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और ब्लड क्लॉटिंग आपको पता है इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन लाइफ में। अगर ह्यूमन बॉडी से ब्लड सारा बाहर निकल जाए तो क्या है, ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है और एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो नेक्स्ट क्या है, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कौन से फैक्टर क्या है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो टोटल 13 फैक्टर होते हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होके क्या बनाते हैं, ब्लड का क्लॉट बनाते हैं। तो फैक्टर का नाम देखिए उनका, सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, फाइब्रिनोजन। इन फैक्टर्स के नाम अगर आपको याद होंगे तो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी अच्छे तरीके से याद होगी। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, फाइब्रिनोजन। सेकेंड फैक्टर क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड फैक्टर क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और फोर्थ फैक्टर क्या है, कैल्शियम आयन। फिफ्थ फैक्टर क्या होता है, लेबाइल फैक्टर। सिक्स्थ फैक्टर क्या है, अभी तक प्रेजेंस नहीं है, हैज नॉट बीन अप्रूव, यानी अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया गया है कि क्या है ये स्पेशली। सेवन फैक्टर क्या है, स्टेबल फैक्टर। एट फैक्टर क्या है, एंटी हिमोफिलिक फैक्टर। और नाइन फैक्टर क्या है, क्रिसमस फैक्टर। और टेन फैक्टर क्या होता है, टूएट फैक्टर। और इलेवन फैक्टर क्या होता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। और ट्वेल्व फैक्टर कौन सा होता है, हेजमैन फैक्टर। और इलेवन जो थर्टीन फैक्टर है वो क्या होता है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, यानी फाइब्रिन को स्टेबलिश करता है एक तरीके से, उसको क्या है, क्लोटिंग बनाने के अंदर हेल्प करता है, उसको स्टेबल करता है। तो शुरू से देखिए कि फैक्टर कौन से है। तो पहला फैक्टर तो है फाइब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग के अंदर, दूसरा फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा फैक्टर क्या है क्लोटिंग के अंदर, कैल्शियम, पांचवा फैक्टर है लेबाइल फैक्टर, छठा फैक्टर अभी तक प्रूव नहीं किया गया है, खोज नहीं हुई इसका कि इसका क्या नाम है, सातवा फैक्टर है स्टेबल फैक्टर, आठवां फैक्टर है एंटी हिमोफिलिक फैक्टर, नौवां फैक्टर क्या होता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर, क्रिसमस फैक्टर, और दसवां फैक्टर क्या है, टूएट फैक्टर, और बारहवां फैक्टर क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। और फिर क्या है, बारहवां फैक्टर है हेजमैन फैक्टर, तेरहवां फैक्टर है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये 13 फैक्टर क्या है, एक दूसरे के साथ अटैच होके क्या है, ब्लड क्लोटिंग का काम करते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो इनके नाम अच्छे तरीके से याद होने चाहिए आगे का चैप्टर क्लियर करने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर है, नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू ऑन ब्लड क्लोटिंग कैस्केड रिएक्शन। तो आगे के लेक्चर में आप क्या देखोगे कि कैस्केड रिएक्शन देखोगे किसकी, ब्लड क्लोटिंग की। तो कैस्केड रिएक्शन में क्या है, दो प्रकार की कैस्केड रिएक्शन होती है, एक तो इंट्रेंसिक और एक एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक में तो क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के इनसाइड में इंजरी होती है, यानी ब्लीडिंग बाहर नहीं होती ब्लड वेसल्स के। पर एक्सट्रेंसिक में क्या है,
ब्लड किसके कांटेक्ट में आ जाता है, बाहर की साइड टिश्यू के कांटेक्ट में आ जाते हैं। और क्या है, दो प्रकार की मैकेनिज्म होती है, और बाद में क्या है, दोनों एक कॉमन पाथवे के अंदर अटैच हो जाती है, और कॉमन पाथवे के अंदर अटैच होने के बाद ब्लड क्लोटिंग कंप्लीट हो जाती है, यानी फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिन के अंदर यानी नेट के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कैसे रिएक्शन। थैंक्स टू ऑल।